Hello, welcome to AgriTime, learn agriculture with me. Friends, today's topic agriculture live test part 14. Friends, इससे पहले हमने agriculture live test के 39 part बना लिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो description box में सारे agriculture live test के आपको link मिल जाएंगे. वहां से आप सारे agriculture live test देख सकते हो, ठीक है. फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो कुछ इस तरीके से है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है. ये क्लासेस की टाइमिंग है जो अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हो. फ्रेंड्स, आज का जो लाइव टेस्ट का पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सहतूत कीट पालन में अग्रणी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए प्योनियर इन मलबेरी पेस्ट रियरिंग. ऑप्शंस दिए हैं पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर और तमिलनाडु. मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा. अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें. चलिए कमेंट कीजिए 1 का राइट आंसर क्या होगा. टाइम ऑफ होता है एग्रियंस और क्विज नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक, जहां पे जो सहतूत कीट है इसके पालन में जो कर्नाटक राज्य ये अग्रणी है हमारे इंडिया में. चलिए बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर. क्विज नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, यानी कि 100% हो पूरा भारत में उत्पादन तो 50% अकेला यही राज्य करता है. ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर. चलिए कमेंट कीजिए क्विज 2 का राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस. टाइम ऑफ होता है एग्रियंस और क्विज 2 का जिन्होंने भी ए कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है. कर्नाटक राज्य जो कि भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है. राइट आंसर क्विज 2 के लिए ए होगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्विज नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर. मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है. मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ. ऑप्शंस दिए कपास, तिलहन, दाल का या फिर मक्का का, कॉटन, ऑयल, सीड्स, पल्सेस और मेज. कमेंट कीजिए क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा. टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने भी सी कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है. मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, सो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्विज नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर. निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट्स. ऑप्शंस दिए गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक. कमेंट करना है आप सभी को. कमेंट कीजिए क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा. टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने भी सी कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है. जो केरला है यानी कि केरल, ये काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है, ठीक है, इन ऑप्शनों में से. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर. सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन से हैं. द टू मोस्ट तंबाकू प्रोड्यूसिंग स्टेट आर. ऑप्शंस दिए आंध्र प्रदेश व यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व गुजरात. इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तंबाकू से रिलेटेड क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य कौन है. सो कमेंट कीजिए कि 5 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस. टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस और क्विज नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश और जो गुजरात है
ये सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? Which state ranks first in tobacco production in India? ऑप्शंस दिए हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर आपको नकल करना आता है, कॉपी करना आता है, तो आप जरूर से जरूर क्विज 6 का राइट आंसर दे पाओगे। चलिए कमेंट कीजिए क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा। एग्रीएंस टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने भी सी आंसर कमेंट किया उनसे भी का आंसर राइट है आंध्र प्रदेश। अभी मैंने जस्ट क्विज 5 में बताया आपको कि आंध्र प्रदेश और जो गुजरात है ये भारत में तंबाकू के दो सबसे बड़े राज्य हैं उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है, तंबाकू के। सो आंध्र प्रदेश, उसमें गुजरात तो है नहीं, सो आंध्र प्रदेश ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस उसी में छुपा रहता है आंसर उसका, ठीक है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सैफ्रन इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शंस है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में, गोवा में। कमेंट कीजिए क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस और क्विज 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में जो केसर है इसकी अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, एरिया पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन। ऑप्शंस दिए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, थोड़े समझने वाली है बस। सभी कमेंट कीजिए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस और क्विज नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ठीक है। मैंने अभी अभी पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करता है, सो मध्य प्रदेश करता है। जो जनरली बात है सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होगा जी, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, भूमि पूछा रहा है, लैंड पूछा जा रहा है, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लैंड अंडर सुगर कैन कल्टीवेशन। यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, सुगर कैन से रिलेटेड है। क्विज नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा सभी को कमेंट करना है, सो कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस और क्विज नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी कमेंट किया उससे भी का आंसर बिल्कुल राइट है। भारत में जो गन्ना है इसके क्षेत्र अधिक कहाँ पे होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र में लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है, इम्पोर्टेंट है और यूनिक सा भी है, ठीक है, कभी सुना नहीं होगा आपने। Where do you get tarpin oil? Options दिए हैं काजू के छिलके से, चीड़ के पेड़ से, यूकेलिप्टस के पेड़ से या फिर सिनकोना के पेड़ से, ठीक है। कमेंट कीजिए क्विज 10 का राइट आंसर क्या होगा एग्रीएंस। टाइम ऑफ होता है एग्रीएंस क्विज नंबर 10। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है और जनरली जो तारपीन है किस में यूज किया जाता है, तो कलर पेंट जो होता है ना उसमें यूज किया जाता है, आपके घरों में भी यूज किया जाता है, ठीक है, जब भी आप पेंट करते हो घर में,
तो ये इसका जो उत्पत्ति है या कहाँ से प्राप्त हमें होता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के पेड़ से। ठीक है, पेन ट्री जो होता है, चीड़ का पेड़, इससे प्राप्त होता है तारपीन का तेल। सो राइट आंसर क्विज नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी इन इंडिया इज फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, अंगूर, आलू, सेब और स्ट्रॉबेरी। कमेंट कीजिए क्विज 11 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस क्विज 11 के लिए जो टाइम दिया गया था आपको, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। यानी कि एप्पल के लिए जो कुल्लू घाटी है, ये एप्पल की खेती के लिए प्रसिद्ध है भारत में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस जिले में? आंवला हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शंस है रायबरेली जिले में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर जिले में या फिर फैजाबाद जिले में। सो कमेंट कीजिए ग्रीन क्विज 12 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस, और क्विज नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतापगढ़ जिला जो है यहाँ पे आंवला का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में। सो राइट आंसर क्विज 12 के लिए बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? द स्टेट ऑफ केरला इज नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ। ऑप्शंस देखिए, रबड़, गन्ना, गरम मसाला और चावल है। ठीक है, कमेंट कीजिए क्विज 13 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रीडियंस क्विज नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गरम मसाला, हॉट स्पाइस के लिए जो केरल राज्य है वो वर्ल्ड वाइड विश्व भर में संवर्धन के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्विज नंबर 14। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पाइस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स। ऑप्शंस देखिए, लौंग, दालचीनी, हल्दी या फिर नॉन ऑफ द अबो, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है क्विज 14 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है ग्रेंस, बहुत ही सिंपल भी क्विज है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो लौंग तो होता नहीं, दालचीनी भी नहीं होता, तो होता कौन है? हल्दी होता है, यानी कि टर्मेरिक। तो ऑप्शन नंबर सी 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होता है? फ्रॉम होम इज द फ्लावर बर्ड यूज्ड एज ए स्पाइस ऑब्टेन्ड। ऑप्शंस देखिए, दालचीनी, इलायची, लौंग और धनिया। कमेंट कीजिए क्विज 15 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस, और क्विज 15 का राइट आंसर, जिन्होंने भी सी कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है, जो लॉन्ग है, क्लो, यह पुष्प कलिका होता है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, लॉन्ग के पुष्प कलिका को। ठीक है, सो राइट आंसर क्विज 15 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो फ्रेंड्स बात करते हैं अब गिव अवे की। गिव अवे का रिजल्ट हम आज घोषित करने वाले थे, क्विज आज का जो लाइव टेस्ट है अभी हो रहा है इसमें। सो अभी गिव अवे का रिजल्ट नहीं आएगा, जस्ट 5 मिनट बाद इस वीडियो को छोड़ के
जस्ट जैसे ही खत्म होता है फिर 5 मिनट बाद एक लाइव सेशन आएगा, मेरा वीडियो आएगा लाइव, उसमें मैं गिवअवे का जो रिजल्ट है उसको लाइव आप सभी के साथ शेयर करूंगा। 2 विनर्स होंगे, ठीक है, और आप सभी के पास मैं जो गिवअवे का रिजल्ट है वो पेश करूंगा। सो यह वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।